दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बालाजी अमाइन के स्टॉक के एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको बालाजी अमाइन के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि कंपनी काम क्या करती है। देखिए कंपनी एल्फेटिक अमाइन बनाने का काम करती है, उसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं यानी कि उसके सब प्रोडक्ट्स होते हैं, और उसके अलावा स्पेशलिटी केमिकल्स का कंपनी काम करती है। देखिए जो कंपनी का जो मेन रेवेन्यू आता है वो आता है स्पेशलिटी केमिकल्स से, यानी कि अगर आप ये भी कह सकते हो कि इनका जो मेन रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है वो है केमिकल। और अभी जो इनके रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट में जो ग्रोथ हमें देखने को मिली है उसमें भी मेन कॉन्ट्रीब्यूशन जो हमें देखने को मिला है वो स्पेशलिटी केमिकल्स में देखने को मिला है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए जो केमिकल्स की डिमांड बढ़ रही है और जो एक्सपोर्ट की जो डिमांड बढ़ रही है खास करके, यानी कि जो दूसरी कंट्रीज इंपोर्ट कर रही है केमिकल्स को, तो इसकी वजह से यहाँ पे हर केमिकल कंपनी को अच्छा बेनिफिट होता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए हम हर एक दो वीक में अगर हम देखेंगे तो केमिकल कंपनीज के आईपीओ भी हमें आते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर हम कंपनी के उसके अलावा और एक और बात करें तो कंपनी एक 5-स्टार होटल चलाती है जिसका नाम है बालाजी सरोवर प्रीमियर। तो एक 5-स्टार होटल अगर चला रहे हैं तो वहां पर अगर सिचुएशन नॉर्मल होती है तो वहां पर भी अच्छा रेवेन्यू कंपनी को मिलेगा। तो ये तो हमने कंपनी के बारे में बात की। अब कंपनी के फंडामेंटल्स पे नजर डालते हैं। देखिए लगभग 11,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री का पी 48 का है और ये आपको 37 के पी पे मिल रहा है। लेकिन देखिए पहले ये स्टॉक 15 के 20 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड होता था और वहां से ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमें डबल होता हुआ नजर आ चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा रिस्क मुझे नजर आता है। अगर प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो वो भी यहाँ पे 12 टाइम्स है। तो यहाँ पे थोड़े वैल्यूएशन के कंसर्न मुझे नजर आते हैं, और खास करके जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे बड़ा है उसका मेन रीजन है जो कि कंपनी ने इस बार अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है और उसमें जो केमिकल्स की जो डिमांड बढ़ रही है उसका रोल यहाँ पे मुझे नजर आता है। अब उसके अलावा अगर हम यहाँ पे कंपनी के और भी यहाँ पे डिविडेंड यील्ड की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ 0.12% है। तो ये ग्रोथ स्टॉक है, यहाँ पर आप ज्यादा डिविडेंड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब ये देखिए अगर आप देखोगे 18, 19, 20 तीनों फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पे ज्यादा ग्रोथ हमें कंपनी के रेवेन्यू में देखने को नहीं मिला था, और यहाँ पे अराउंड 35% से हमें कंपनी का रेवेन्यू 2020-21 वाले फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिला था। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट नंबर थे, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 100% से भी ज्यादा हमें कंपनी का प्रॉफिट का नंबर बढ़ता हुआ नजर आया था अगर हम 2021 वाले फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो। यहाँ पर ऐसा क्या हो गया? तो देखिए जो केमिकल्स की डिमांड बढ़ी है तो उसकी वजह से हमें ये नंबर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो मुझे थोड़ा अनएट्रैक्टिव लगा है। उसका रीजन ये है क्योंकि जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उनके पास यहाँ पे 53.67% का होल्डिंग है। तो प्रमोटर्स का होल्डिंग फिर भी ठीक है, लेकिन जो फॉरेन इन्वेस्टर्स और हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनके पास यहाँ पे सिर्फ 2.35% का स्टेक है। जो बचा हुआ अराउंड 43% का स्टेक है वो पूरा हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। तो वो मुझे एक रिस्क यहाँ पे नजर आता है क्योंकि जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स है अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज या फिर कोई भी पॉजिटिव न्यूज अगर होती है तो वहां पे सीधा स्टॉक पे रिएक्शन हमें देखने को मिलता है। अगर एकदम से कोई नेगेटिव न्यूज आती है तो स्टॉक एकदम से 10-15% गिर सकता है। उन्हें लगता है अगर नेगेटिव न्यूज है तो वो वहां पे पूरा एनालिस्ट नहीं करते और वहां पे अपना स्टॉक सेल करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन है वो इतना ज्यादा है तो मुझे वो थोड़ा रिस्क फैक्टर यहाँ पे बालाजी अमाइन्स में नजर आता है। अब यहाँ पर अगर हम कंपनी के रेवेन्यूज की बात करें, देखिए पिछले 4 साल के फाइनेंशियल ईयर का परफॉर्मेंस तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर हम पिछले 3 क्वार्टर्स के कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करें तो तीनों क्वार्टर्स में लगातार यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो ये नंबर भी तीनों क्वार्टर्स में लगातार कंटिन्यूअसली हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे तीनों क्वार्टर्स में कंपनी का अच्छा परफॉर्मेंस है, और जब तक ये केमिकल का डिमांड इतना बना रहता है मेरे ख्याल से कंपनी अच्छा परफॉर्म करती रहेगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के रिटर्न रेशियोज की अगर हम बात करें तो देखिए पहले 2019-20 वाले फाइनेंशियल ईयर में जब तक केमिकल्स की डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं थी
तब ये नंबर सिर्फ 15% पे था। और अगर आप देखोगे अभी जो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है इससे ये नंबर 26% पे आ चुका है। और ऐसा लगता है ये आने वाले टाइम पे अगर ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में अगर केमिकल्स की डिमांड कम नहीं होती है तो ये नंबर 30% तक भी जा सकता है। देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अगर कम से कम 20% का अगर कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो ये नंबर भी यहां पे 32% है और पिछले साल ये नंबर था 18% पे। यहां पे ऑलमोस्ट हमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का नंबर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वो तो नंबर यहां पे बढ़ेगा क्योंकि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी डबल से भी ज्यादा बढ़ी, ये नंबर बढ़ेगा। उसके अलावा अगर हम देखें रिटर्न ऑन एस्टेट का नंबर भी यहाँ पे 18% है और ये नंबर भी हमें डबल होता हुआ नजर आया है। तो ये देखिए ये तीनों नंबर्स का नेट प्रॉफिट से खास करके लेना देना है तो उसकी वजह से ये नंबर हमें डबल होता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर टैक्स और इंटरेस्ट पेमेंट इंक्लूड नहीं होता है तो ये नंबर हमें उसमें नहीं नजर आता है। अब ये देखिए अगर हम कंपनी के डेट की बात करें तो कंपनी का डेट भी खासा कम हो चुका है, 0.11 का कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है क्योंकि पिछले साल ये नंबर 0.37 था, यानी कि 0.26 से हमें कंपनी का डेट कम होता हुआ नजर आया है। देखिए डेट भी कंपनी का कम हुआ, ये एक पॉजिटिव है। लेकिन देखिए जैसी जैसी यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है तो ये लोग क्या करते हैं अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कर देते हैं मैन्युफैक्चरिंग पे, और जब इनको मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज़्यादा कैपिटल चाहिए होती है तो वहाँ पे ये डेट के पास जाते हैं और वहाँ पर ये हैवी डेट रेज करते हैं और जैसे केमिकल्स का डिमांड कम होता है फिर वहाँ पे इससे चीज़ें वैसी हो जाती है। तो ये एक रिस्क यहाँ पे इन कंपनीज के साथ बना हुआ रहता है। अब देखिए 3427 पे बालाजी अमाइंस का स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और 3619 का इसका ऑल टाइम हाई है। तो अगर हम ऑल टाइम हाई से कंपेयर करें अराउंड 5% ये स्टॉक अभी आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है। देखिए हमने फंडामेंटल्स के बारे में पूरी बात कर ली, लेकिन देखिए जो स्पेशलिटी केमिकल्स की जो इंडिया में भी डिमांड बढ़ रही है, एक्सपोर्ट में जो डिमांड बढ़ रही है, तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये जो चाइना ने यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी है उसकी वजह से हमें केमिकल्स की डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है। जो बाकी की जो कंट्रीज हैं आउटर कंट्रीज आउट ऑफ इंडिया वाली कंट्रीज तो वो इंडिया से केमिकल्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, ये एक इश्यू है। लेकिन देखिए आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी कंपनी अच्छा खासा केमिकल मैन्युफैक्चर कर रही है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है और गवर्नमेंट अगर ये केमिकल इंडस्ट्री अगर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाती है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडिया में पॉल्यूशन भी बढ़ सकता है। तो आने वाले टाइम पे गवर्नमेंट यहाँ पे कोई भी मेजर लेके आ सकता है जिससे पॉल्यूशन कंट्रोल हो और ये जो केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग है इसको भी कम की जा सकती है। तो ये इन कंपनीज के लिए थोड़ा ये रिस्क बना हुआ रह सकता है। तो इसीलिए अगर आपने इन कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल भी रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं तो मेरे ख्याल से बालाजी अमाइंस वाला स्टॉक आपके लिए नहीं है। और देखिए पहले से जो मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है उसके अलावा जो केमिकल सेक्टर में हमने जो रैली अभी देखी है मेरे ख्याल से यहाँ पे एक रिस्क बना हुआ है। तो इसीलिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से एक एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो आपने यह इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप एक लो रिस्क इन्वेस्टर है तो आपने इस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। अब अगर जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है उन्हें क्या करना चाहिए, कि अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो बने रहिए। अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर नहीं है और आप एक लो रिस्क इन्वेस्टर, आपको लगता है कि मैं ज़्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करता हूँ, देखिए ज़्यादा रिस्क लेने में क्या होता है कि ज़्यादा रिटर्न भी मिलते हैं और ज़्यादा लॉस भी हो सकते हैं। लेकिन जो लो रिस्क होते हैं उनको लो रिटर्न, यानी कि 10-15% का CAGR के रिटर्न से उनको खुश होना है, ये चीज़ आपको समझनी होगी। अब उसके अलावा शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो देखिए शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक ऑलरेडी बहुत रैली हो चुका है। अगर हम देखें वो अभी जब रिजल्ट आए थे 3000 के नीचे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था तो वहाँ से 10% से भी ये ऊपर स्टॉक जा चुका है। तो देखिए शॉर्ट टर्म में केमिकल स्टॉक बहुत ज़्यादा रैली कर चुके हैं, मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा और यहाँ पे ये रैली हमें देखने को मिलेगी। हाँ थोड़ा बहुत यहाँ पे 3-4% स्टॉक ऊपर जा सकता है, लेकिन अभी थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए 1-2 महीने में मुझे लगता है 4000 के ऊपर ये स्टॉक नहीं जाएगा। शॉर्ट टर्म के लिए मेरे ख्याल से अगर आपने बाय किया हुआ है बने रहिए। थोड़ा केमिकल सेक्टर भी बहुत अच्छा खासा बुलिश है मार्केट में, मुझे लगता है 3600 या 3700 के लेवल आपको सेप्टेम्बर एंड तक देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप कर लूँ कि बालाजी अमाइंस के स्टॉक के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों थैंक यू, हैव अ नाइस डे।